फाइंड द पोजिशन एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ एम, पोजिशन एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज, इमेज का करना है तो पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज को वी से रिप्रेजेंट करते हैं ये कैलकुलेट करना है, मैग्नीफिकेशन भी कैलकुलेट करना है, इससे एम से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी कैलकुलेट ही करना है, और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और -8 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वैक्स लेंस एफ इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर +10 सेंटीमीटर, कॉन्वैक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। इमेज बताना है आपको, इमेज तो लेंस फार्मूला, इमेज पोजिशन लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v -1/u होता है, और 1/f, f की वैल्यू कितनी है जी, f की वैल्यू बता दो आप, +10 है, 1/v कैलकुलेट करना है, -1/u की वैल्यू -8 है, और 1/v तो एज इट इज रहने वाला है, और 1/10 और ये माइनस माइनस देखो 1/10 हो गया और इक्वल टू 1/b और +1/8 हो गया है, तो 1/10 और -1/8 हो जाएगा, और यहाँ पर जो एलसीएम हो जाएगा वो 40 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 4 और यहाँ -5, ठीक है, और -1/40 हो जाएगा, 1/v इक्वल टू, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर को हम ऐसा लिख सकते हैं, 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, कौन सा लेंस है ये, कॉन्वैक्स लेंस, ठीक है। अच्छा एक बात बता दें, अगर इन फ्रंट ऑफ लेंस होता है तो वर्चुअल इमेज हो जाती है, तो इमेज वर्चुअल हो गया। मैग्नीफिकेशन भी बताना है सेकंड पॉइंट में, तो मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू वी बाई यू, एम इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी आई है, -40, यू की वैल्यू -8 होता है, होता नहीं है मतलब गिवन है इस क्वेश्चन में, और m इक्वल टू कितना हो जाएगा, +5 आ जाएगा। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आना भी क्या हो जाता है, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ गया, m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो ये वर्चुअल इमेज हो जाता है, ठीक है, और मैग्नीफिकेशन 5 यानी 1 से बहुत बड़ा आ गया है, तो ये भी याद रखना इन लार्ज हो गया है, इन लार्ज का मतलब हो गया मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ओके थैंक्स।